दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। बिंदुवार समझते हैं कि क्या है ये योजना और युवाओं को किस तरह से मिलेगा मौका। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, इसके तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों यानी युवाओं की भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से ये कदम सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसके अगले कुछ सालों में 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा मानी जा रही है। ऐसे में अब बिंदुवार समझते हैं कि क्या है ये योजना और युवाओं को किस तरह से मिलेगा मौका। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त करा दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसर के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। केवल 25% जवान को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हों। कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। युवाओं को नई तकनीकी से प्रशिक्षित किया जाएगा। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो 11,71,000 रुपये होगा। योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, को वेतन का बता देते हैं। तो दोस्तों, प्रथम वर्ष का वेतन रहेगा 30,000 रुपये। प्रथम वर्ष का वेतन 30,000 रुपये, जिसमें 21,000 इन हैंड मिलेगा। दूसरे वर्ष का वेतन 33,000 रुपये, जिसमें इन हैंड 23,100 रुपये मिलेगा। तीसरे वर्ष का वेतन 36,000 रुपये, जिसमें इन हैंड 25,580 रुपया मिलेगा। चौथे वर्ष 40,000 वेतन और जिसमें इन हैंड 28,000 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों, आपका अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।